हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को ट्वीट किया। इससे पहले विज ने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं होना चाहिए, रैलियां आयोजित ना की जाएं, खेल से संबंधित एक जगह एकत्रित होने से बचे, धार्मिक आयोजनों में इकट्ठे होने से बचे। हरियाणा में कोरोना का एक पॉजिटिव मामला गुरुग्राम में सामने आ चुका है। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी महामारी घोषित कर दिया है। भारत ने विदेशों से आने वाले नागरिकों के वीजा 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिए हैं। चीन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से 15 फरवरी के बाद आने वाले यात्रियों को कम से कम 14 दिन आइसोलेशन में रखा जाएगा। भारत में अब तक कोरोना के 69 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 18, इसके बाद केरल में 14, महाराष्ट्र में 11 और उत्तर प्रदेश में 9 मामले सामने आए हैं। केरल में 85 साल की बुजुर्ग संक्रमित महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जबकि महिला के 96 साल के पति की हालत स्थिर है। दरअसल वह कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के माता पिता हैं, जो 29 फरवरी को पत्नी और 24 वर्षीय बेटे के साथ इटली से लौटा था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.